देखो दोस्तों, आजकल अगर आप लोग गीजर लगाते हो घर के अंदर, तो आपको डब्बे पे या गीजर पे स्टिकर लगा हुआ होता है 5 स्टार रेटिंग। वो 5 स्टार रेटिंग होता क्या है? क्या वो आपने दी, क्या वो मैंने दी? वो लोग वो 5 स्टार रेटिंग लाते कहाँ से है? तो उसमें नीचे बड़े हर्फ में एक वर्ड लिखा हुआ होता है जो आप लोगों को नहीं होता है पता। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को आज ये समझाने की कि क्या 5 स्टार रेटिंग किस एंगल से होती है। वो आप लोगों को कभी भी एनर्जी सेविंग नहीं होता है, अगरचे कंपनी दावा करती है कि एनर्जी सेविंग। वो भी मैं बताऊंगा एनर्जी सेविंग होता क्या है, और ये भी बताऊंगा कि सेफ्टी सेविंग क्या होता है। 5 स्टार रेटिंग जो है ना, दो दो चीजों में आते हैं, एक आता है सेफ्टी की, दूसरा आता है एनर्जी सेविंग की। तो दोनों चीजें मैं डिफाइन कर दूंगा और दोनों बताऊंगा वो आती कहां से है। वो रेटिंग वो पब्लिक नहीं देता है, फिर कहां से आती है, रियलिटी क्या है रेटिंग का, मैं इस पे आज कंप्लीटली डिटेल दे दूंगा आप लोगों को। मेरा नाम किफायत जाफरी है, आप लोग देख रहे हैं प्लम्बिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वन टाइम प्लम्बिंग सॉल्यूशन। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपको 5 स्टार रेटिंग का मामला जो है ना, 5 स्टार रेटिंग का मामला मैक्सिमम क्या होता है कि उसके नीचे अगर हम जब सर्च करते हैं वहां पे लिखा होता है BEE, समझ लेने मेरी बात को, BEE। ये BEE क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? BEE का फुल फॉर्म है बैचलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बैचलर क्या होता है, बैचलर एक डिप्लोमा आता है। जिस तरह से एक नॉर्मली इंसान किसी भी एक एकेडमी में ज्वाइन किया वहां से अपने आप को सर्टिफाइड होने के लिए, लेकिन वो एक एकेडमी है पीछे। ये बैचलर कहाँ से मिल रहा है इनको, ये एकेडमी के अंदर से मिल रहा है। एकेडमी एक ट्यूशन एक सेंटर समझ लो, तो वहां से यह हमें मिल रहा है ये सर्विसिंग, ये रेटिंग दोनों चीजों का वहां से आ रही है। लेकिन वो रेटिंग क्या रियलिटी पे डिपेंड हो सकता है? उसकी रियलिटी शो यहाँ पे है। मुझे भी मैसेजेस आ रही है कि हमारी चीज को रेटिंग दो, हम इतने पैसे देंगे। ये स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने। तो इसलिए रेटिंग जो है ना, ये BEE का भरोसा ही मत रखो। इसमें आपको दो चीजों का मिलेगा, एक मिलेगा सेफ्टी रेटिंग, दूसरा मिलेगा एनर्जी सेविंग। एनर्जी सेविंग और सेफ्टी, ये दोनों चीजें डिफाइन में अगर करूं तो एनर्जी सेविंग है यानी कि इसकी हीटिंग जो है, हीटिंग यानी पानी गर्म कराने का तरीका, कितने जल्दी में कराएगा ये, वो इसको 5 स्टार मिल सकता है। लेकिन 5 स्टार के पीछे क्या चीज होता है जल्दी गर्म करने का? नॉर्मली वाटर हीटर के अंदर क्या होता है कि 2 KV 2 किलोवाट का एलिमेंट होता है। ये जो 5 स्टार होता है आपके नजर में, उसको 3 किलोवाट का होता है, 4 भी हो सकता है, जितना बड़ा कैपेसिटी होगा। यानी कि टोटल मिला के इसको क्या है, ये फेक रेटिंग है। ये रेटिंग गारंटी से नहीं कह सकता हूं मैं। रेटिंग अगर मैं दूंगा अपने साइड से वीडियो के अंदर की, नहीं जी इस चीज की मैं रेटिंग इतना दे रहा हूं, देन आफ्टर मैं उस चीज को मानता हूं, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट हूं, मैं किसी के अंडर नहीं हूं, मैं काम पैसा करके नहीं कर रहा हूं, मैं कंपनी से पैसा लेके रेटिंग नहीं दे रहा हूं। तो ये एकेडमी जो है, ये किसी एक एंगल से इनको स्पॉन्सर कर रही है ये कंपनी, या फंड दे रहा है ये कंपनी, देन आफ्टर ये रेटिंग देती है इस चीज को बदले में, ठीक है? तो रेटिंग पे भरोसा नहीं करना है। अब रही बात, ये रही आपको हीटिंग, जस्ट इसको हीटिंग रेटिंग होती है, ये एनर्जी जो रेटिंग होती है, एनर्जी रेटिंग आप लोगों को ये मिला। अब रही सवाल कि सेफ्टी रेटिंग क्या है फिर इसके अंदर। सेफ्टी रेटिंग देखो, सेफ्टी रेटिंग इसके अंदर से एक ही चीज होता है, वो भी मैं बताऊंगा कि इसके अंदर होगा एलिमेंट जो हो, एलिमेंट एलिमेंट जो होगा वो होगा ब्लू कोटेड डायमंड, डायमंड कोटिंग, ठीक है? उसके अलावा इसके अंदर होगा अंदर की टैंक ग्लास लाइन। उसके अलावा इसको जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट के साथ साथ थर्मोस्टेट होगा, वो गेयर वाला थर्मोस्टेट होगा जो एक्सपोजर भी रह सकता है, ठीक है? थर्मोल जो होगा वो हैवी होगा। इसमें थोड़ा सा अगर सेफ्टी के रिगार्डिंग, समझ लो मेरी बात को, अगर सेफ्टी में उसको 5 स्टार रेटिंग है, तो एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर उसको सेफ्टी के तौर पे दे सकते हैं। मगर वो भी अगर पब्लिक साइड से होगी, इंजीनियर साइड से होगी, ना कि वो बैचलर एकेडमी से आएगा। बैचलर एकेडमी से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पॉइंट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जितने भी हमारे पास आते हैं प्रोडक्ट्स, उनको बैचलर की एकेडमी से हमें मिलता है रेटिंग। जो रेटिंग मैं एक्सेप्ट नहीं मानता हूं, मैं नहीं मानता हूं, आप लोगों का अपनी मर्जी, आप लोग क्या बोलोगे उस पे,
मैं नहीं मानूंगा ये रेटिंग, मेरे साइड मेरे ख्याल से ये रेटिंग सारा ये फेल है, क्योंकि ये लोग दिख सकता है, ये लोग बैचलर डिग्री होल्डर मेरे पास आते हैं, फिर हमें जी काम करने दो, दो काम करने के लिए जब उनको लेते हैं तो थोड़ी आसमान की होती है, लेकिन प्रैक्टिकल में उनको नहीं पता, प्रैक्टिकल में हमें पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो समझ लो, अब एनर्जी सेविंग, एनर्जी सेविंग मैंने आप लोगों को बताया कि एलिमेंट इसमें बहुत हैवी होता है, इसलिए ये फास्ट आपको गर्म पानी करके देगा, लेकिन आप लोगों को फायदा नहीं है, ना इसमें फायदा है ना इसमें फायदा है रेटिंग के लिहाज से। अगर लोग परचेज करोगे तो क्या चीज कहाँ कहाँ की रेटिंग रही है, रेटिंग की कोई गारंटी नहीं होती है। तो असली रेटिंग किस चीज की मिलनी चाहिए, ये जो मैंने यहाँ पे एनर्जी सेफ्टी की रेटिंग दिखाई, ये होना चाहिए सारे इक्विपमेंट्स बराबर, वो एक अच्छा वेल एक्सपर्ट बता सकता है कि इसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये जो अब एनर्जी सेविंग के लिहाज से अगर मैं बात करूं, आपने 50 लीटर का गीजर पानी गर्म किया, अब 36 घंटे के बाद आपने इसको ऑन किया, आपने यूज नहीं किया, 36 घंटे के बाद अपने गीजर से पानी निकला, ये निकलना चाहिए फिर से तब भी हॉट। ये हॉट कैसे निकलेगा इस पे डिपेंड करता है, अगर ये पफ वाला इंसुलेशन होगा, पफ इंसुलेशन होगा लेकिन 50 mm मिनिमम, 50 mm का इंसुलेशन होगा किया हुआ, देन आफ्टर ये 36 आवर्स के बाद भी आपको हॉट पानी दे सकता है। तो ये लंबी चौड़ी कहानी है, कभी खोल दूंगा मैं आप लोगों के सामने गीजर, उसको तो दिखाऊंगा, लेकिन याद रहे कि रेटिंग के पीछे नहीं भागना है, रेटिंग परचेज किया जाता है आज के टाइम पे, ये मैंने दिखाया भी कि रेटिंग परचेज किया जाता है। प्लस पॉइंट कि रेटिंग के नीचे छोटे हरफों में अल्फाबेट में लिखा होता है रेटिंग बाई BEE, यहाँ पे चेक कर सकते हो आप लोग, ये सिटी घर में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, इस गीजर के ऊपर रेटिंग दिया हुआ है रेटेड बाई BEE, ठीक है। तो रेटिंग BEE ने दी है इसको, तो BEE और किफायत जाफरी के बीच में लड़ाई तो नहीं है, मगर मेरा काम है रियलिटी दिखाना पब्लिक को। तो आप लोगों को पहले ये सारी चीजें जानना होगा, अगर आप परचेज करने जाओगे कोई चीज, कम से कम उसका रियलिटी देखो पहले। गूगल है आपके पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दुनिया भर के, वहां पे आप जाके चेक करो, उसके बाद ही आप भरोसा करो कि किफायत जाफरी गलत नहीं कह रहा है। अगर वहां से पता चलेगा, क्रॉस चेक करके आओ, जब लगेगा ना कि किफायत जाफरी ने सही कहा, तब मेरी बात पे बिलीव करो आगे के लिए, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तब मेरे पेज को फॉलो करो। अगर लगेगा कि नहीं किफायत जाफरी ने चीट कहा है, किफायत जाफरी ने गलत मैसेज दिया ऑडियंस के अंदर, तो किफायत जाफरी को फॉलो मत करो, किफायत जाफरी को सब्सक्राइब मत करो, फिर दूसरी बार मेरा वीडियो देखो ही मत, ठीक है। ये है रियलिटी आजकल गीजर्स की, गीजर्स को तो रेटिंग आ रही है लेकिन रियलिटी उस चीज को नहीं कहते हैं, जैसे मैंने दिखाया कि परचेजिंग हो रही है। एक रेटिंग अगर मैं दे दूं किसी एक कंपनी को तो मुझे 8 से 10 हज़ार रुपये मिल जाएगा, अगर मैं एक बार रेटिंग दे दूंगा 4 स्टार या 5 स्टार में। ये लाइव प्रूफ है आप लोगों के सामने, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे। तो किफायत जाफरी इन पांगों में नहीं पड़ रहा है, मेरा काम है रियलिटी दिखाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।